तो इस साल कैनेडियन गवर्नमेंट ने एक अनाउंसमेंट किया था जो कि अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? वी होप कि आप लोग सब बहुत बढ़िया होंगे। तो आज भी हम लोग एक नया टॉपिक लेके आए हैं आप लोगों के लिए जो कि बहुत ही डिमांड में था। बहुत लोग हम लोगों से पूछ रहे थे कि ये इसके बारे में क्या होगा, कैसे होगा, क्या होगा, आप लोग कैसे हैं। तो यस, ये जो वीडियो होने वाला है ये वर्क परमिट के ऊपर होने वाला है। तो यहाँ पे वर्क परमिट किस तरह का होता है, कितने तरह का होता है और कौन कौन एलिजिबल है अपने वर्क परमिट के लिए और कौन कौन अपने फैमिली वालों को, स्पाउस को और चिल्ड्रन को ला सकते हैं। तो चलिए कोई टाइम वेस्ट किए बिना शुरू करते हैं ये वीडियो। तो इस साल 30 जनवरी से कैनेडियन गवर्नमेंट ने एक अनाउंसमेंट किया था जिसमें उन लोगों ने बोला है कि मोर देन 200,000 एप्लीकेंट्स यहाँ पे आ सकते हैं वर्क परमिट पे, और 30 जनवरी से इफ़ेक्टिव था, जिसमें उन्होंने एक्सपेक्ट किया कि मोर देन 200,000 एप्लीकेंट्स आ सकते हैं वर्क परमिट पे, जिसमें इंक्लूड है दोनों, ओपन वर्क परमिट और क्लोज वर्क परमिट। तो वैसे क्लोज वर्क परमिट तो उन लोग पहले भी देते थे, लेकिन ओपन वर्क परमिट में क्या था कि कुछ लोग एलिजिबल थे अपने स्पाउस को बुलाने के लिए और कुछ लोग एलिजिबल नहीं थे। तो बेसिकली जो ओपन वर्क परमिट होता है वो स्पाउस के लिए ही ज़्यादातर होता है, डिपेंडेंट लोगों के लिए ज़्यादातर होता है जो कि जो उनके बच्चे होते हैं, जो काम करने लायक होते हैं उन लोगों के लिए और स्पाउस के लिए। तो ये बीच में बंद हो गया था ड्यू टू कोविड रीज़न और भी कुछ अनएक्सपेक्टेड रीज़न था, जो कि अभी इस साल से 30 जनवरी से इन लोगों ने फिर से ओपन कर दिया है और एक्सपेक्टेड है कि बहुत सारे लोग इसमें आ सकते हैं। तो चलिए इस बारे में हम लोग अच्छे से डिस्कस करते हैं वीडियो में। सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि वर्क परमिट क्या है। यहाँ कंट्री में जाने के लिए आपको वीज़ा की ज़रूरत है, जो कि स्टूडेंट वीज़ा होता है, वर्क परमिट वीज़ा होता है, कोई पीआर लेके भी आता है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं वर्क परमिट पे। एक होता है क्लोज वर्क परमिट और एक होता है ओपन वर्क परमिट। क्लोज वर्क परमिट क्या होता है, LMI बेस होता है और जिस कंपनी ने आपको हायर किया है आप उसी के अंडर काम करेंगे, उसके अलावा आप कहीं और जॉब नहीं कर सकते। ये एक कंडीशन होती है कि आप कहीं अदर जॉब नहीं कर सकते। फिर आता है ओपन वर्क परमिट। ओपन वर्क परमिट में आप कहीं भी जॉब कर सकते हैं, कितनी भी जॉब कर सकते हैं, एक से ज़्यादा जॉब कर सकते हैं। क्लोज में आप सिर्फ एक ही जॉब कर सकते हैं, है ना। तो बेसिकली जैसे कि हिना ने बताया कि क्लोज वर्क परमिट जो है वो LMI बेस्ड होता है। तो LMI कंपनी इशू करती है, क्योंकि LMI बेस्ड जो जॉब होती है वो फॉरेन से बुलाते हैं और जो स्टूडेंट यहाँ पे वर्क परमिट पे है उनको भी अपना जॉब जो है LMI उनको भी अक्वायर करना होता है, अदरवाइज़ वो उनका PR लगने में बहुत मुश्किल होता है। तो PR के लिए ये LMI होना बहुत ही ज़रूरी है। तो क्लोज वर्क परमिट में ये होता है कि LMI बेस होता है, आप उसी कंपनी के लिए काम कर रहे होते हैं, और ओपन वर्क परमिट बेसिकली ज़्यादातर स्पाउस वीज़ा को मिलता है, डिपेंडेंट को मिलता है। ओपन वर्क परमिट में उन लोग आते हैं और क्लोज वर्क परमिट वाले स्पॉन्सर करते हैं उनको। ओपन वर्क परमिट में अपनी फैमिली को बुला सकते हैं, अपने बच्चों को बुला सकते हैं और वो काम भी कर सकते हैं यहाँ पे आके, अगर वो एलिजिबल है तो। तो ये डिफरेंस है ओपन वर्क परमिट और क्लोज वर्क परमिट में। पहले क्या होता था, जो क्लोज वर्क परमिट में लोग आते थे वो टेम्पररी फॉरेन वर्कर प्रोग्राम के अंडर में आते थे, और इसमें भी दो सेक्शन है, एक हाई वेज स्ट्रीम है और एक लो वेज स्ट्रीम है। तो जो हाई वेज स्ट्रीम के अंडर में आते थे उन लोग ही एलिजिबल होते थे अपने डिपेंडेंट को बुलाने के लिए, और अपने डिपेंडेंट को बुलाने के लिए और ऑब्वियसली उन लोग ओपन वर्क परमिट में बुलाते थे डिपेंडेंट को। और जो लो वेज स्ट्रीम के लोग होते थे जिन्हें LMI मिला है बट उन लोग फिर भी हाई वेज स्ट्रीम में नहीं है, लो वेज स्ट्रीम के कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि उनका स्किल और उनका जो जॉब का जो पोस्ट है, हाँ, रैंक है, जो पोस्ट है, डिजिग्नेशन है, वो उस लेवल का नहीं होता था, तो इसलिए उन लोग एलिजिबल नहीं होते थे जो लो वेज स्ट्रीम में आते थे। तो ये पहले का था, बट अभी गवर्नमेंट ने ऐसा किया है कि अभी चाहे आप हाई वेज स्ट्रीम में हो चाहे आप लो वेज स्ट्रीम में हो, आप दोनों ही जो वर्कर हैं अपने अपने फैमिली को, डिपेंडेंट को बुला सकते हैं और वो उनका डिपेंडेंट जो है वो ओपन वर्क परमिट में आ सकता है। ये जो है गवर्नमेंट ने अभी 2 साल के लिए किया है, उसके बाद ये अपना पूरा एनालाइज करेंगे, डेटा देखेंगे कितना इनका जो इन्होंने गोल सेट किया है वो अचीव कर पा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि इन्होंने ये जो रखा है इसका भी रीज़न है, यहाँ पे लेबर शॉर्टेज हो रहा है और क्या, जो भी यहाँ पे जॉब कर रहे हैं तो उनको फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा अगर वो अपनी अपने पार्टनर को, अपने स्पाउस को यहाँ ओपन वर्क परमिट पे बुलाएंगे तो फाइनेंशियली सपोर्ट होगा उनका, और इमोशनल सपोर्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक जना काम करके नहीं चल सकता है, दोनों को जॉब करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप अपनी फैमिली से दूर है तो और ऐसी कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए फाइनेंशियली या फिर कोई प्रॉब्लम, ताकि आप यहाँ पे खुश ना रह पाए, एटलीस्ट खुश तो हो, खुश रहने का, फैमिली आप इतनी दूर है।
और एक ये रीजन है कि आप अपनी फैमिली को अपने पास बुला के जॉब करके आप अच्छे से यहाँ रह सकते हैं, सेट हो सकते हैं। एक इमोशनल सपोर्ट भी मिल जाएगा ना, ऑब्वियसली आप सिंगल रह रहे हो और सिंगल रह रहे हो, कमा रहे हो, अपना खर्चा निकाल रहे हो, बट आपके साथ आपकी स्पाउस भी आ जाएंगे, आपके बच्चे भी आ जाएंगे, तो ऑब्वियसली ये बहुत बड़ा इमोशनल सपोर्ट होता है किसी के लिए भी। तो इस नज़रिए को भी गवर्नमेंट ने मद्देनज़र रखा है कि चलो अब मैं हम लोग ये इसी वजह से 2 साल का जो है ये इन्होंने खोला है, चाहे कोई भी लेवल पे बंदा आ रहा हो LMI लेके, उन लोगों के लिए सब सबके लिए उन्होंने रास्ता खोल दिया कि आप अपनी फैमिली को बुला सकते हो, जो कि वो आएंगी सिर्फ बुला के रहने के लिए नहीं, वो आके काम भी कर सकती हैं, लीगली वे में काम कर सकती हैं और कर सकते हैं, चाहे वो मेल आ रहा है या फीमेल आ रहा है। ऑब्वियसली ज़रूरी नहीं है कि फीमेल ही आते हैं, सिर्फ बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो फीमेल है और उन लोग अपने हस्बैंड को बुलाते हैं। Exactly. ठीक है, तो दोनों मिल के काम करेंगे तो दोनों का ऑब्वियसली लाइफ थोड़ा सा तो बेटर होगा। Exactly. तो ये जो प्रोग्राम है ये 3 फेज में गवर्नमेंट ने डिवाइड किया है, Phase 1, Phase 2, Phase 3। तो Phase 1 में उन लोगों को रखा है जो कि हाई वेज स्ट्रीम में है, जो LMI लेके आए हैं, क्लोज वर्क परमिट पे है, बट अंडर हाई वेज स्ट्रीम कैटेगरी में आते हैं, उन लोगों को अलाउ किया गया है जो कि पहले भी था, उन लोग अपने स्पाउस को बुला सकते हैं ओपन वर्क परमिट में। Phase 2 में ये है कि जो बंदा लो वेज कैटेगरी में आता है, लो वेज स्ट्रीम में आता है, उन लोग भी अब बुला सकते हैं अपने स्पाउस को ओपन वर्क परमिट में। और Phase 3 उन लोगों के लिए है जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंडर में आए हैं काम करने के लिए क्लोज वर्क परमिट में, तो उन लोग भी को भी गवर्नमेंट ने अभी अलाउ किया है, आप अपने इसको स्पाउस को या अपने बच्चों को बुला सकते हैं अंडर ओपन वर्क परमिट। तो ये 3 फेज है, तो इससे बहुत ज़्यादा ही क्या है कि कैनेडियन गवर्नमेंट को भी हेल्प मिलेगा अपने लेबर शॉर्टेज जो क्राइसिस चल रहा है उसको एक गैप फिल करने के लिए, फुलफिल करने के लिए, और प्लस जो बंदे हैं उन लोगों को इमोशनल सपोर्ट भी मिलेगा अगर उनकी फैमिली उनके साथ रहे। तो हम लोग जो आए थे तो हम लोग का भी ये है कि ये क्लोज वर्क परमिट पे हैं और मैं ओपन वर्क परमिट पे हूँ, क्योंकि मैं स्पाउस वीज़ा पे हूँ तो मैं यहाँ कहीं भी जॉब कर सकती हूँ, कितनी भी जॉब कर सकती हूँ। ये हम लोग से रिलेटेड टॉपिक है तो हमने सोचा आप लोग को बताएं। हमारे किसी सब्सक्राइबर फैमिली का कमेंट आया था क्या वो वर्क परमिट पे आएंगे तो उनकी वाइफ को यहाँ पे जॉब मिल सकती है, क्या वो जॉब कर सकती है। हाँ, अगर आपकी वाइफ को ओपन वर्क परमिट मिल जाता है आपके साथ में तो वो ज़रूर जॉब कर सकती है यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक तरह से बहुत अच्छा है। हम लोग जब आ रहे थे नए नए कनाडा तब तो हम लोग को कुछ भी नहीं पता था, तो हम लोग को प्लेन में एक बंदा मिला था जिसकी वाइफ यहाँ पे स्टूडेंट है, तो वो स्टूडेंट है और अपने हस्बैंड को उन्होंने बुलाया वर्क परमिट पे। तो ऐसा था लाइक ऐसा ज़रूरी भी नहीं है कि आपको इंग्लिश आती हो, आपको IELTS देना है, IELTS भी देने की ज़रूरत नहीं है इसमें, और बहुत सारी कैटेगरी है जहाँ पे आप डायरेक्टली भी आ सकते हो जिसमें IELTS करके अगर नहीं आना चाहते तो यही है, आपका स्पाउस यहाँ पे आ जाए, वो IELTS दे दे, अगर आप IELTS नहीं दे तो वो यहाँ पे आ जाए। क्योंकि मेरे साथ भी कुछ काम करती हैं, वो लोग अभी आई हैं, 6 मंथ हुआ है और उन लोग अब अप्लाई करने वाले हैं, हस्बैंड को बुलाएंगे उन लोग भी। तो ये भी है कि आप अगर आना चाहते हैं तो आप दोनों में से कोई एक भी है ऐसा जो यहाँ पे स्टडी के लिए आ जाए या फिर वर्क परमिट के लिए, यहाँ वर्क परमिट के लिए। वर्क परमिट का ऐसा है कि आपको जॉब इतनी इजीली नहीं मिलेगी, आपको बहुत ट्राई करना पड़ेगा, आप अपना लिंक कनेक्शन बनाने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारी जॉब यहाँ रेफरेंस के थ्रू लग जाती है। आप इंडिया में हैं, अपने होम कंट्री में है, तो वहाँ से भी आपकी जॉब लग सकती है, चांसेस हैं, बट आपके कनेक्शन होने चाहिए, रेफरेंसेज होने चाहिए, उससे यहाँ पे जॉब लगने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। यहाँ पे लाइक बहुत सारा हिडन जॉब्स होता है जो कि पता ही नहीं चलता, जो वेबसाइट पे आते ही नहीं है, बट वो वैकेंसीज ऑलरेडी फुल हो जाती हैं, कैसे, वो रेफरेंस के थ्रू। तो यहाँ पे रेफरेंस बनाना बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आप बैक होम कंट्री में हो, आपको कनाडा आना हो, तब भी आप लिंक्डइन में अपना कनेक्शन बनाइए या इंडीड में अपना कनेक्शन बनाइए, ऑनलाइन अप्लाई करते रहें। तो यही एक तरीका है, अदरवाइज बाकी जो दूसरा तरीका है उसको मैं प्रेफर नहीं करूँगा। और हम लोग अभी रिसर्च कर रहे हैं क्योंकि कई सारे लोगों ने कमेंट किया था कि वीज़ा जो विजिटिंग वीज़ा है उसको वर्क परमिट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अभी हम लोग रिसर्च कर रहे हैं, अगर जैसे ही हम लोग को कुछ पता चलेगा, कुछ हमारे हाथ लगेगा जो लीगली हो, अच्छा मतलब लीगल हो, लाइक ऐसा ना हो इलीगल तरीका हम नहीं शेयर करेंगे, लीगल हो जो और आपके लिए भी ठीक हो, तो वो जैसे ही हम लोग को पता चलेगा हम आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। राइट,
तो हम लोग ये चीज़ कोई भी इन्फॉर्मेशन पास आउट नहीं करना चाहते जिसके बारे में हमें खुद नहीं पता हो, और हम लोग गलत इन्फॉर्मेशन भी आप लोग तक नहीं पहुंचाना चाहते। चाहे वीडियो में थोड़ा लेट हो जाए वो सही है, बट कोई भी इन्फॉर्मेशन हो वो ऑथेंटिक हो और अच्छे से सर्वे किया हुआ हो और हमारा एक्सपीरियंस रहा हो, लाइक या फिर हमारा कोई ऐसे जानने वाला हो जिससे हमारा कॉन्टैक्ट रहा हो जिसने हमें ये चीज़ शेयर की हो, तब हम आप लोग से शेयर करेंगे, तब हम आप लोग को बता सकते हैं कि हाँ ऐसा भी है, ऐसा पॉसिबिलिटी भी है कि आप आके यहाँ पे अपना वीज़ा चेंज करा सकते हैं। तो इस वीडियो को अब हम यहीं एंड करना चाहेंगे, मिलते हैं आप सबसे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना, बाय।